सहयोग से एक बार फिर एक बिछड़ी हुई बेटी जो है अपनी माँ से आज यहाँ पर मिल पा रही है और खुशी और एक इमोशनल भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 1 से 1.5 महीना हो चुका है 30 वर्षीय सुमन जो मधुबन में जो है ऐसी सड़कों पर मिलती है। उसके बाद क्राइम ब्रांच से नमना मैम जो है उन्हें अपना आशियाना आश्रम पहुँचाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, क्योंकि वीडियो जो है आंटी जी ने देखा और उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जो इतने वक्त से गायब है अपना आशियाना आश्रम में रही है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत से बच्चों को बहुत से बुजुर्गों को घर पहुंचाने में मदद की और आज एक बार फिर से जो सुमन है अपनी माता जी से यहाँ पर मिल पा रही है। तो माता जी से बातचीत करते हैं। माता जी क्या कुछ हुआ था, कहाँ से चली गई थी? कल्पना चावला से। अच्छा, कैसे यार? ऑपरेशन करवाने के लिए ले आई थी भाजगी में रख गया था यार। अच्छा, तो फिर मैंने पाई नहीं यहाँ। कितना वक्त हो चुका है? ओ, मैं दूसरा दिन लगता हूँ, फिर तो महीना सारा हो गया। महीना हो गया। हाँ। तो कंप्लेन करवाई थी आपने? हाँ, कंप्लेन मैंने तीसरे दिन उसने करवा दी थी। तो आपको कल अपना चौका ना उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपको वीडियो देख के पता चला कि अपना? हमने वीडियो में तो नंबर कटवाया, आपको लोन आने ना जी भी, तो इसका पता चला अकबी आश्रम। अब खुश हैं, बेटी को सही सलामत घर लेकर जाएंगी? हाँ, खुश है। 1 महीने बाद बहुत अच्छे अच्छे धन्यवाद है। तो आप देख पा रहे हैं एक माँ जो है कितनी खुश दिख रही है क्योंकि बेटी 1 महीने बाद मिली। तो क्या मानसिक रूप से परेशान है? थोड़ा परेशान है मानसिक रूप से? मैडम का भी धन्यवाद जी ना, वो फोन नंबर गिरा। तो मानसिक रूप से परेशान है? मतलब बीमार है थोड़ी सी? हाँ, दिमागी तौर से? हाँ, बीमार है। शादीशुदा है ये? शादीशुदा है, एक लड़की है। लड़की भी है? हाँ। अच्छा, तो कैसे इनके साथ कैसे दिमागी रूप से कमजोर? तो माँ किसके घर रहा, वो बिगड़ गया, डेथ हो गई। क्या एक्सीडेंट होकर मर गया था? अच्छा, उसके बाद से ऐसे हो गया? उसके बाद से इसका दिमाग डिग गया, इसका कुछ नहीं रहा। वो सासू ससुर ना कर तभी कोई नहीं देखने आंदा। एक एक बीघे जमीन है वो उसकी दरियानी ले रही, अरे उसकी इसके घर में दोनों कमरे में उसकी ननद जाएगी, इसका वहाँ कुछ नहीं। तो मतलब जो इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है सुमन का दिमागी रूप से थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, और उसके बाद जब माता जी इनको कल्पना चावला हॉस्पिटल में लेकर आते हैं इलाज के लिए, लेकिन यहाँ से वो चली जाती हैं और काफी मुश्किलों के बाद अब जो है 1 महीने के बाद अपनी माँ एक बेटी से मिल पा रही है। सुमन कैसा लग रहा है, घर जा रहे हो अब मम्मी के साथ? घर जा रहे हो मम्मी के साथ? घर आई हूं मैं। ये घर पे ही हो आप? अच्छा, आप जाना नहीं है मम्मी के साथ? ना, अपने घर जाऊंगी। घर जाओगे अपने? मम्मी है ना ये आपकी? तो आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये भी बोला कि मैं तो अपने घर पर ही हूँ, क्योंकि अपना आशियाना आश्रम एक तरफ का जो घर ही है बहुत से लोगों का। नमना जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है क्राइम ब्रांच से, और उस दिन आपने आप लोगों को खबर दिखाई थी मैम जो है काफी लोगों को जो है घर पहुँचाने में मैम किस तरीके से लगे रहते हैं इस कार्य में, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी पहले तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम ऑपरेशन स्माइल के लिए स्टॉर्म 2 के लिए जो है पुलिस एकेडमी से निकल रहे थे, तो मधुबन गेट के आगे ये घूम रही थी लावारिस हालत में। हमने इनको वहाँ से रेस्क्यू किया, गाड़ी में बिठाया और आप लोगों को भी सूचित किया। ये उस दिन की फ़ोटो हैं और जिस दिन आप लोगों ने इनकी बाइट ली थी, और इस वीडियो के माध्यम से इसकी माता जी को पता चला और इनका मेरे पास फ़ोन आया आज से 3-4 दिन पहले। तो उस टाइम ये बीमार थी थोड़ी सी माताजी, हमने कहा भी ऐसे ऐसे आश्रम में हमने छोड़ा है, और 346 का पर्चा दर्ज इन्होंने करवा रखा है करनाल थाने में, और कंप्लेंट कराई थी ना इसकी थाने में, इश्तिहार जारी करवा रखा है, और ये 1.5 महीने से मिस थी। अब पता नहीं मुझे तो कि भाई 1.5 महीने ये इतने दिन कहाँ कैसे किस स्थिति में रही, लेकिन जैसे ही हमें पता चला तो आप लोगों को हमने सूचित किया, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कम हमने बहुत सारे केस सोल्व किए हैं, खासतौर से ब्रेकिंग, तलवार न्यूज़ वगैरह सभी ने सहयोग दिया, और मैं राजकुमार जी का, अनु मैम का तो हमेशा ही, ये तो हृदय की गहराइयों से परमात्मा की, ये तो एक देन है जो इतनी सारी सेवाएं इतने दिन से इसको इतने प्यार से रख रहे हैं। आज बहुत खुशी का समय है कि एक बेटी अपनी माँ के साथ जा रही है, तो मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। नीता जी ने भी इसमें काफ़ी हमारी मदद की है काउंसलिंग कराने में, तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा हमारे
एक परिवार के साथ मिलकर हम सब काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा बन चुका है, जिस तरीके से आप वीडियो को, हमारा मकसद यही रहता है जब भी हम आपको बोलते हैं कि वीडियो को आप जन जन तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि एक बिछड़ा हुआ व्यक्ति जो है अपने परिवार तक सही सलामत पहुँच पाए। अब देखो दिवाली का त्यौहार आने वाला है और त्यौहार से पहले एक बेटी जो है अपनी माँ से मिल गई, अपने घर जाएंगी। अनीता जी हमारे साथ मौजूद है, समाज कार्य में लगी रहती है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक खुशी भी होती है कि जब इस तरीके से जो बिछड़े हुए परिवार से लोग मिलते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ही धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे करनाल का जो मीडिया है वो हमारे इस नेक कार्य में, हम सभी के नेक कार्य में बहुत मदद करता है, और आप लोगों की बदौलत भी इतने परिवारों को खुशी वापस मिली है। जैसा कि अभी नमना जी ने बताया कि 17 अक्टूबर को मिली थी, वैसे महीने डेढ़ महीने से घर से लापता थी, इन्होंने इश्तिहार भी इसके छपवाए लेकिन कुछ अता पता नहीं चला, और जब पता चला तो फिर आपके माध्यम से इसका आशियाना में यहाँ लाया गया, और इसी वजह से आज ये अपने घर जा रही है, क्योंकि आशियाना में पहुंच गई तो अपने आशिया में तो जाना जरूरी निश्चित ही था। और आशियाना के हमारे राजकुमार भाई जी, अनु दीदी जो हैं, बहन है मेरी छोटी, और नमना जी का, इन सब के सहयोग के बिना ये सब कार्य कभी संभव नहीं हो सकते, ना हम अकेले कर सकते, ना आप अकेले कर सकते। ये एक हम लोगों के सहयोग जो आपस में रहता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और हम आगे भगवान ना करें कि इस तरीके की स्थिति किसी घर परिवार पर गुजरे, लेकिन फिर प्रार्थना करेंगे कि अगर कोई ऐसा फिर भी होता है तो हम चाहेंगे कि वो अपने घर वापस जाए, खुशी खुशी अपने घर परिवार के बीच मिलकर तीज त्यौहार मनाए। ये एक बहुत बड़ी खुशी है कि एक माँ को एक बेटी मिल गई, और इस खुशी को माँ ही जो अच्छे से बयां कर सकती है। जी हाँ, और साथ ही साथ एक सबका शुक्रिया अदा, क्योंकि सब मिले हुए हैं, सब एक जुटे हुए हैं एक साथ। मैम को जो है ऑपरेशन पर जा रहे थे और मैम को जो है सुमन दिखते हैं, उसके बाद वो उन्हें अपना आशियाना लेकर आते हैं। वीडियो आप लोगों ने जन जन तक पहुँचाई, जो आंटी जी तक पहुँच गई, और यहाँ पर अपना आशियाना वो अपनी बेटी को लेने के लिए पहुँच गई, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। अनु मैम हमारे साथ अपना आशियाना से, उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो भी कोई व्यक्ति आता है उसकी काउंसलिंग की जाती है, एक परिवार की तरह ही उसे रखा जाता है, और आज जो है आपके परिवार का एक सदस्य अपने अपने परिवार में वापस जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए। सर्वप्रथम मैं अपने करनाल ब्रेकिंग न्यूज का और अपने व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे सभी वीडियोज को आगे शेयर करते हैं, और इस वीडियो को भी आगे शेयर करें, ताकि और भी कोई ऐसे लापता या सड़कों पर ऐसे बेघर चलते हैं जो व्यक्ति, उनको हमारे संपर्क तक पहुँचाया जाए और फिर उन्हें हम उनके घर तक जाए। नमना मैम का, मैं अनीता मैम का और अपने पूरी समस्त टीम का, अपना आशियाना की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, कमल मिड्डा सर आपकी पूरी टीम का, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़ी हुई है इस सेवा कार्य को बखूबी निभाते हैं। हर व्यक्ति एक एक करके, एक एक मोती मिलता है तभी माला पिरोई जाती है। आज एक बहन अपने घर जा रही है, जब ये हमारे पास आई थी तो बहुत ही बदहवासी हालत में थी, इसके बाल बहुत बड़े हुए थे और जुए और लिखे थी इसमें, नंगे पाँव थी और वस्त्र भी ऐसे ही पहने हुए थे, और जैसे यहाँ आई उसके बाद इनको नहला धुलाकर साफ़ सुथरा किया गया, इनकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने के दौरान इन्होंने थोड़े थोड़े अपने क्लू दिए, साथ ही हमारी वीडियो जैसे शेयर हुई और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से और व्यूवर्स के शेयर करने माध्यम से आज एक बहन अपने घर जा रही है, हमारे लिए हर्ष का विषय है। हमारे लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 98120 0353 और 9416110073। ये अपना आशियाना का है, कहीं पर भी आपको लाचार, मंदबुद्धि, अक्षम बुद्धि के मिलते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9416110073 से संपर्क साध सकते हैं। तो आप लोगों को अपना आशियाना का नंबर भी बता दिया गया, आप लोगों को कोई भी मिलता है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, कोई भी आपको रास्ते में इस तरीके से मिलता है तो आप अपने आशियाना को एक बार इन्फॉर्म जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से जो है सड़कों पर जो है नहीं जाना चाहिए, परिवार है अपना आशियाना का। सर हमारे साथ मौजूद है अपना आशियाना से, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुमन जो आज अपने घर वापस जा रही है, ये सुमन आज अपने घर जा रही है दिवाली के पर्व पर, एक माँ बेटी का मिलन, ऐसा मिलन होने जा रहा है और हर्ष का विषय भी है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि देखिए आज ये इतने लोग परिवार मिलते हैं। अपना आशियाना आश्रम एक ऐसा सेवा स्थान है कि जिसमें हर व्यक्ति को सेवाओं का योगदान, और आप लोगों का, सबका, मीडिया का और क्राइम ब्रांच पुलिस का और अनीता मैडम सर का और बहुत से लोग कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और कारवा बनता चला जाता है। इसी के साथ साथ हम सब मिलजुल कर एक प्रण लें कि हम हर बार एक ऐसे व्यक्ति की सेवा में लगें और वो सेवा सार्थक होती है तो भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के हम हकदार हो जाते हैं।
तो आप लोगों को पूरी टीम दिखा देना चाहूंगी, पीछे पूरी टीम खड़ी है अपना आशियाना के भी, क्योंकि सभी सेवा में जुटे होते हैं। इतने लोग यहाँ पर मौजूद है, उनकी सेवा करना, उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें खाना पीना देना, वो बहुत एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आज जो है एक माँ बेटी का मिलन हुआ है। सुमन देखिए किस तरीके से स्माइल भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ एक बॉन्ड भी बन गई है, कितने वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, भूल गई कि माँ बेटी का ही मिलन नहीं है, नानी का भी, इसकी एक बेटी भी है। जी जी, वो भी माँ मिलेगी और ये मिलेंगी, तो डबल खुशी इनके परिवार में। माँ बेटी का मिलन होने वाला है, क्योंकि इनकी भी एक छोटी सी बेटी है सुमन की, और साथ साथ ये देखो उनके जो अपना आशियाना के जो लोग हैं, एक बॉन्ड बनी है, उनके साथ अच्छे से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। और सही सलामत अगर कोई भी अपने घर पहुंच जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा, क्योंकि आपको अगर हम बोलते हैं वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, मकसद यही होता है कि एक परिवार से जो बिछड़ा हुआ इंसान है, व्यक्ति है, वो अपने घर पर वापस पहुंच जाए। अपने लिए तो हर कोई करता है, कभी किसी और के लिए भी थोड़ा सा करके देखिए, शायद आपको जो खुशी वो मिलेगी ना, वो अपने लिए करने पर नहीं मिलेगी, जब दूसरों की छोटी सी मदद करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। वो अपना आशियाना की टीम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राजकुमार जी भी हैं। राजकुमार जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सबका बस यही धन्यवाद है। और बेटी देखो, उन्होंने नमना मैडम ने बताया कि हमारा ऑपरेशन स्माइल चलता है, और जब आपने देखा वो बेटी अपनी माँ से मिल रही है तो उसके चेहरे पर स्माइल आई है। एक नाम भी गवर्नमेंट ने सार्थक रखा और काम भी सार्थक हो गया। तो ये सब आप लोगों के माध्यम से है, मीडिया एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है आपके माध्यम से। फिर मैं एक अपील ज़रूर करूंगा, हमारे अपना आशियाना में एक वृद्ध आश्रम की शुरुआत हो गई है, वहाँ पर जो बुज़ुर्ग कहीं नहीं रह रहे हैं, या घरों में अकेले रह रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो अपना आशियाना आश्रम में रहें। और दूसरी बात ये है, हर एक मंदबुद्धि लवारिस नहीं होता, हर एक मंदबुद्धि का परिवार भी होता है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो वो अपने परिवार से मिल सकता है। बहुत से लोग तो ये सोच के उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि वो लवारिस ऐसे ही है, मंदबुद्धि है, पागल है, ये डेफिनेशन अच्छी नहीं है। भगवान जी ने इनको अक्षम बुद्धि बनाया है, तो कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। तो हमेशा हर एक का मेहनत करना हमारा फर्ज है, भगवान जी अपने आप सेवा के कार्य को फल देते हैं। परिवार से ये मिल गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं संपूर्ण समाज का, आपका, व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो इस वीडियो को भी आज जन जन तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि ये एक अपील हमेशा हम करते आए कि कोई भी अगर मंदबुद्धि व्यक्ति है, कोई स्पेशल पर्सन, उसके हाथ पर आप फोन नंबर जरूर जो है गुदवा दीजिए, ताकि मिलने में आसानी हो जाए। क्योंकि अक्सर यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि सुमन परिवार से मिल रही है, कुछ लोग नहीं भी मिल पाते हैं। तो इस वीडियो को भी जन जन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि क्योंकि बहुत से लोग कॉल करते हैं कि उनके बारे में पता चला या नहीं चला, तो इनको इस वीडियो को भी पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चल सके सुमन जो है अपने घर पर सही सलामत पहुंच चुकी हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। एक बेटी अपनी माँ से यहाँ पर, त्यौहार से पहले माँ बेटी का मिलन हो चुका है, और अपने घर सही सलामत, अपना आशियाना आश्रम क्राइम ब्रांच का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।